हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू ठंडी ठंडी गरम गरम सीरीज में, जो कि है राफ्ट सर्वाइवल। इसमें हमें करना है एक राफ्ट पे सर्वाइव, और वो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे ऊपर करने वाले हैं शार्क्स अटैक, और उन शार्क्स से बचते बचते हमें इस राफ्ट को बहुत बड़ा करना है, यानी कि हमें इस राफ्ट पे बनाना है अपना बहुत बड़ा घर, और हमें मिलेंगे छोटे छोटे आइलैंड जिन पे हमें बहुत सारा सामान भी मिलेगा। तो चलो सीरीज को शुरू करते हैं। चलो शिनचैन, सबसे पहले हमारे इधर समुंदर में ना बहुत सारी चीजें जा रही हैं, सो इनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, इन्हीं से जो है हमारा अगला सामान बनने वाला है। अरे शिनचैन, वो देखो वहाँ पे कुछ प्लास्टिक आ रहा है, उसको भी खींचो। मसाल, क्या मुझे ये सारा सामान खींचना पड़ेगा? हाँ शिनचैन, क्योंकि यही सामान से हमारी ये राफ्ट बड़ी होगी। हाँ, और साथ साथ हमें खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हरी कजामा, मसाओ है ना? मसाओ? हाँ, मसाओ को हम लोग चारा बना के समुद्र में फेंकेंगे, और फिर इसको मछलियाँ खाने आएंगी, और फिर हम उन सारी की सारी मछलियों को पकड़ के खा लेंगे। वाह, आइडिया तो एकदम झकास है। अरे पागलों का तुम दोनों। दोस्त, तुम लोग कितने बुरे हो, तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। अरे मसाओ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, रो मत। हाँ थैंक यू कजामा, मुझे लगा था शिनचैन मुझे सच में समुंदर में फेंक देगा। ऐसा नहीं होने वाला मसाओ। चलो दोस्तों, अभी एक मैंने हैमर बना ली है, और अभी और क्या बनाना है? एक पैडल बनाना है जिससे हमारी राफ्ट कंट्रोल होगी। ये बना लिया पैडल, चलो। ओके, सभी हैमर से काम करना है, हमें अपनी राफ्ट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कजामा, वो मैं करूँगा। तेरे को नहीं आता, वो मैं करूँगा। तुम्हें चीजों को कलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं क्या करूँ? मसाल, तुम समुद्र में उल्टे लटक जाओ। क्यों शिनचैन? अरे मसाल, फिर तो मछली आएंगी तुम्हें खाने के लिए। ए शिनचैन, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ हमेशा? अरे यार शिनचैन, उसको सताओ मत। अरे मैं सता कह रहा हूँ, ये प्लान तो बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, इससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। अरे यार, एक तो शिनचैन मसाओ को बहुत परेशान करता है। चलो, हमारे यहाँ पे काफी सामान तो इकट्ठा कर लिया है। और सामने देखो एक आइलैंड है, हम वहाँ पे जाके कुछ सामान और ले सकते हैं। आइलैंड पे कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा ही। ठीक है, सो मैं जल्दी से पेडल मारता हूँ, इससे हम लोग आइलैंड पे जल्दी पहुँचेंगे। हाँ चल चल शिनचैन, जल्दी कर, बस आइलैंड पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों, आइलैंड पे हमें क्या क्या मिल सकता है? आइलैंड पे हमें मिलेंगी कुछ चीजें, लाइक खाने पीने को मिल जाएगा, लकड़ी वकड़ी मिल जाएगी, और काफी कुछ। वहाँ पे एक बड़ा डिब्बा है, उसको खींचता हूँ। ये खींचा, ये खींचा, इससे हमें बहुत सामान मिला। वाओ, ये बहुत ही बढ़िया था बोचैन। चलो वहाँ पे कुछ दरख्त हैं, हम लोग उनको काट सकते हैं, और उनसे हमें फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, चलो जल्दी से इनको काटते हैं। मसाओ, उसके लिए हमें वो चाहिए होगा, एक्स। एक्स तो बना लेते हैं ना? हाँ वैसे हमारे पास एक्स के लिए सामान तो होगा, स्टोन एक्स ये रहा, लेट्स गो, हमने बना लिया। मैं पेड़ों को मैं काटूंगा। अच्छा ठीक है, तू काट लियो। ये मैंने एक स्पीयर भी बना लिया, अगर हमारे ऊपर कोई एनिमल या शार्क हमला करते हैं तो हम इस स्पीयर से उसको मार देंगे। हाँ बोचैन, बहुत ही अच्छा किया तुमने, यहाँ पे कुछ रोप्स बना लिया। चलो शिनचैन, अभी जल्दी से पेड़ों को काटो। ठीक है कजा, मैं ये मैं काटता हूँ। बुई, काट दिया, क्या बात है। अरे काटते काटते बुई बुई क्यों कर रहा था तू? ये मेरा स्टाइल है बोचैन। एक और है यहाँ पे। हाँ तो इसको भी काट दे, यहाँ आइलैंड पे जितने ज्यादा पेड़ हम सब काट देंगे, क्योंकि इससे हमें काफी कुछ सामान तो मिल ही जाएगा। चलो ऊपर भी दो तीन पेड़ है, तो ऊपर चलते हैं और उनको भी काटते हैं। अरे वाह, मेरे को एक वाटरमेलन मिला, क्या बात है। मसाओ उसको रखो, वो खाने के लिए काम आएगा। चलो यहाँ पे एक और पेड़ है, इसको भी काट देता हूँ, इससे मुझे क्या मिल सकता है? इससे हमें कोकोनट मिल गया और प्लांट्स मिल गए, नाइस। और अभी एक और पेड़ आ गया, उसको मैं काटूंगा। ए, इसको तो मैं पूरा काट दूंगा। हया हुया और खुया और पुया और जुया। वाह, कजामा ने भी काट डाला। अरे मैं तो बचपन से ही पावरफुल हूँ, मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता। कजामा, अभी हमें आगे क्या करना है? अभी हमें आगे अपनी राफ्ट पे जाना है, क्योंकि हमने यहाँ का सारा सामान तो ले लिया है,
सभी राफ्ट पे चलते हैं, हमें कुछ और सामान भी मिल जाएगा आगे जाके। ओए, उससे पहले खाने का इंतजाम करना है। ए, शार्क ने हमला कर दिया, मारो शिनचैन मारो इसको, ये बहुत अच्छे। ओए, शार्क ने क्या ही हमला किया था, शार्क की तो हमने गेम बजा डाली। देखा, हमारा स्पीयर काम आया। चलो, मैंने सिंपल फर्नर और सिंपल ग्रिल बना लिया, इससे हमारे खाने का और पानी का इंतजाम हो जाएगा। बहुत अच्छी कसम, तुम तो काफी अच्छा सीख रहे हो, ऐसे ही मुझसे सीखते रहो। अरे, मैं तुझसे नहीं सीख रहा हूँ, मैं ये सब खुद कर रहा हूँ। चलो दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अरे रुको, मुझे ये लगाने तो दो। सो यहाँ पे मैंने ये सिंपल फर्नर लगा दिया और ग्रिल मैं यहाँ पे लगाऊंगा। एक जमा ग्रिल से होता क्या है, मसाओ इससे हम लोग समुद्र का जो पानी है ना उसको साफ करके पी सकते हैं। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है अभी रात होने वाली है। अरे रात को मुझे बहुत डर लगता है, क्या पता हमारे ऊपर भूत अटैक कर दे। अरे मसाओ, भूत वूत कुछ नहीं होते, और यहाँ पे तेरे को कहाँ से भूत मिलेंगे, समुद्र से तैर के आएंगे क्या भूत। अरे कजाम भूतों का क्या पता, वो तो उड़ के भी आ सकते हैं। अरे मसाओ डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो यहाँ से यार रस्ते में जितना भी सामान है उठाते रहो। अरे भाई वो देखो सनसेट हो रहा है वहाँ पे। कजाम उसको देखने का कुछ फायदा नहीं, तुम खाने और पानी का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है, चलो मैं जल्दी से, एक मेरे को कप चाहिए पानी के लिए, एम्प्टी कप के लिए हमें प्लास्टिक चाहिए होगा। तो प्लास्टिक इकट्ठा करो, ये देखो कितना सारा जा रहा है। ओके, मैं सारा का सारा प्लास्टिक वगैरह खींच लेता हूँ। चलो आई थिंक हमारे पास इतना प्लास्टिक तो हो गया कि हमें कैपेटी ग्लास बना पाए। हाँ चलो पोचन, अब यहाँ सबसे पहले राफ्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तुमने प्लास्टिक यूज कर दिया कजामा। अरे कोई बात नहीं, और भी प्लास्टिक आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू। अभी देख, सबसे पहले भूख मिटाओ, मैंगो खाओ और वाटरमेलन भी खा लो। चलो इससे हमारा पानी का भी हो जाएगा, क्योंकि वाटरमेलन में बहुत पानी होता है। वो रहा प्लास्टिक, चलो। वाह, मुझे तो वाटरमेलन और मैंगो खा के मजा आ गया। खैर, हमें प्लास्टिक तो मिल गया, अब हमें कैपिटी कप बनाना है जो हम पानी पीने के लिए यूज करेंगे। मसाल, तुम्हें पता है क्या शिनचैन, भूतों को टकले लोग बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ए शिनचैन, तो मतलब फिर तुम्हारा क्या मतलब है इसमें। मसाल, तो तुम टकले हो ना, तो सारे भूत तुम्हें अभी उड़ा के ले जाएंगे। ए शिनचैन, मेरे को बचा लो, शिनचैन मेरा क्या होगा। अरे मसाल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झूठ बोल रहा है। अरे यार मसाओ को कितना रुलाता है ये, मजा आ गया। तुम एक नंबर का पागल है क्या शिनचैन। अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो कजामा। ओए ठीक है, इसको छोड़ो, अभी मैंने पानी को साफ करने के लिए रख दिया, और अभी हमें चाहिए तो खाना, और उसके लिए फिशिंग रॉड लगेगी। मछली मैं पकड़ूंगा। अच्छा ठीक है, चल मछली पकड़ शिनचैन तू। हाँ कजामा मैं पकड़ता हूँ। अरे थोड़ा दूर फेंक उसको। ठीक है कजामा, ये देखो अभी मैं सारी की सारी मछली पकड़ लूंगा। अगर मैंने शार्क पकड़ ली तो भी ज्यादा मजा आएगा। अरे शार्क हमें खा जाएगी नूबड़े। ऐसी बात है, तो हम मसाल को खिला देंगे ना उसको। शिनचैन तुम बस करो शिनचैन, मुझे डर लग रहा है। मैंने मछली पकड़ ली कजामा। बहुत अच्छे, एक और पकड़ ले, हमें दो तीन मछली तो चाहिए होगी, क्योंकि हम चार लोग हैं ना। ठीक है कजामा, चलो एक और पकड़ लेता हूँ। ले जल्दी पकड़ो, वैसे भी बहुत भूख लगी है मुझे। ओके बस पकड़ लिया। आ ही गया। ये देखो मैंने मछली पकड़ ली। बहुत अच्छे शिनचैन। चलो दोस्तों, अभी हम ऐसा करते हैं, जल्दी से मछली को वहाँ पे रख देते हैं पकने के लिए। शिनचैन तुम रख दो, सारा काम कजामा ही करेगा क्या। हाँ शिनचैन ने रख दी मसाओ, बहुत बढ़िया शिनचैन। अब वहाँ पे पानी हमारा हो चुका है, जल्दी से पानी पी लेते हैं। चलो प्यास बुझाते हैं। मजा आ गया प्यास बुझा के। चलो अब जल्दी से और पानी रख दो वहाँ पे बनने के लिए। हाँ मसाओ, वैसे हम समुद्र का पानी क्यों नहीं पी सकते कजामा। अरे शिनचैन, समुद्र के पानी में नमक होता है। फिर तो बहुत ज्यादा मजेदार होगा ये पानी। अरे यार वो शुद्ध नहीं होता पानी, वो हमें एकदम प्योर वाटर चाहिए। ऐसी बात है, तो ठीक है कजामा, फिर तुम पानी को बनाते रहो और मैं पीता रहूंगा। चलो अब यहाँ पे ये जाता आता जितना भी सामान है सब इकट्ठा करो, क्योंकि हमें अपनी राफ्ट को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी लेती है ना। अच्छा ठीक है मसाओ, यहाँ से भर ले पानी और पी ले। थैंक यू, चलो मैं यहाँ पे और पानी रख देता हूँ, ये मैंने रख दिया। ओए हमारी मच्छी पक चुकी है, चलो चलो मच्छी खाते हैं। लेट्स गो, मुझे बहुत भूख लगी है,
मजा आ गया मच्छी खा के। एक और पकने के लिए रख देता हूँ। वाह शिनचान, तू तो बड़ा ही भाई अच्छा बन रहा है अभी। खजाना खाने के मामले में न कंजूसी, मैं तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, तो एक नंबर का बुखड़ है। चलो अभी हमारी यहाँ पे काफी रात हो चुकी है, मतलब अभी हमें आगे क्या करना है। दोस्तों मुझे सामने कुछ दिख रहा है। क्या बोचन? रुको वो देखो, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ तो जा रहा है। मुझे भी दिखा। ओए हाँ वहाँ पे कुछ तो है, वो देखो कितना दूर आ गए हम लोग, लेकिन वो अभी तक हम उसके क्लोज नहीं पहुँचे। पैडल टूटने वाला है, शायद हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अरे सुबह भी होने वाली है देखो, लेकिन ये क्या, हमारा पैडल टूट गया। एक और बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्लास्टिक चाहिए और हमारे पास प्लास्टिक है नहीं। अरे यार पैडल टूट गया। अरे दोस्तों मैं राफ्ट से गिर गया। ऊपर चलो, आई शार्क काट रही है, शार्क काट रही है। शिनचैन ये तुमने क्या किया? देखो शार्क ने मेरे पिछवाड़े पे काट लिया। तुम सब कोई बात नहीं, इतना तो सही सकते हो। शिनचैन तुम्हारी वजह से हुआ ये। अरे मसाओ कोई बात नहीं, चिल मारो, झेलो, तुम्हारे लिए मछली खा लो। ठीक है दोस्तों थैंक यू, शिनचैन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मसाओ तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना। अभी हमारे पास मछलियाँ खत्म हो गई है। कोई बात नहीं शिनचैन, हमारे पास आलू पड़े हैं ना, हम उन आलूओं को पका के खा लेंगे। हाँ पोटैटोस बढ़िया होते हैं। चलो दोस्तों वैसे वो तो हमारा मिस हो गया, अब वहाँ से हमें शायद कुछ लूट मिल सकती थी। और उसमें ना एक चेस्ट पड़ी थी, शायद उस चेस्ट में बहुत कुछ हो सकता था। हाँ यार कोई बात नहीं, हमारी किस्मत नहीं थी। आई होप ऐसे बहुत ज्यादा आए समुंदर में, और अगर ऐसे और आते हैं ना तो हम लोग उनको लूट लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला, वैसे तो वो एक राफ्ट टाइप ही था। हाँ वो राफ्ट में एक चेस्ट पड़ी थी, अगर वो चेस्ट में मिलती तो बहुत फायदा होता। चलो खजामा ये देखो, यहाँ पे मैं आसपास का सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, पर तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो। ची बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। ए शिनचैन हम लोग बहुत काम कर रहे हैं तब से, तू ही बस मसाओ को परेशान कर रहा है तब से। मैंने पानी पी लिया, थोड़ा सा और रख देता हूँ। ओए मच्छी बन गई, चलो 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 जल्दी मच्छी खाने का टाइम दोस्तों, भूख तो मुझे बहुत लगी है। हाँ तब से हम लोग खा ही रहे हैं, लेकिन यार मच्छी इतनी टेस्टी है ना कि मेरा मन कर रहा है मैं खाते ही जाऊँ। चलो पोटैटो को पकाएंगे इसके बाद। ओए हाँ मैं तो वेजिटेरियन हूँ। हाँ तो फिर मच्छी मत खा। मच्छी खाने के बाद वेजिटेरियन हूँ मैं खजाना। ओ हाँ चलो, सो यहाँ पे आलू पकने के लिए भी रख दिया मैंने। अभी आसपास का सामान इकट्ठा करते हैं, और मुझे लगता है सामने एक आइलैंड भी है। दोस्तों शार्क का हमला, हमारी राफ्ट तोड़ दी उसने, शार्क ने हमारी राफ्ट तोड़ दी। अरे मसाओ कोई बात नहीं, ये देखो मैं बना देता हूँ नंदी शार्क, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी बनाओ खजामा, और ये जल्दी करो। उससे पहले मैंने एक पैडल बना लिया बोचन, और ये मैंने राफ्ट भी बना दी। चलो ओ हाँ पैडल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब अगर वैसा कोई राफ्ट आती है चेस्ट वाली तो हम जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। हाँ मैंने पैडल बना दिया है, और अभी सामने एक आइलैंड भी है। चलो तो आइलैंड पे चले क्या? शार्क ने हमारी राफ्ट तोड़ के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ओए वो देखो मुझे एक और दिखा, वहाँ पे पक्का चेस्ट होगी। नहीं खजाना, राफ्ट ने हमारी शार्क तोड़ के बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। क्या क्या बोल दिया मैंने? शिनचैन तुमने अभी भी क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि शार्क ने हमारी राफ्ट तोड़ के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तब हम लोग क्या करें, उसकी गलती को सुधारे क्या? नहीं मसाओ, बस मेरे तो ऐसे बोलना ही था। उस शार्क की तो हम लोग बैंड बजा के रहेंगे, उससे पहले हमें वहाँ तक पहुँचना है। अभी तो हमारा पैडल नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटेगा खजामा, ये हमारा नया पैडल है, वो बस वहाँ तक हम पहुँच ही जाएंगे। ये देखो बस पहुँचने वाले हैं, और ये वहाँ सामने एक चेस्ट पड़ी है। शिनचैन जल्दी से वो चेस्ट उठा लेना। ठीक है खजामा मैं उठाता हूँ। ये मैंने उठा लिया। नाइस, इसी के साथ देखो इसके अंदर कितना कुछ मिला हमें। हाँ लेकिन इसमें लकड़ी ज्यादा थी। चलो जो भी है, लकड़ी से ही हमारी राफ्ट बनेगी खजामा। हाँ वैसे वो बात भी है बोचा। तो चलो दोस्तों हमने यहाँ पे एक चेस्ट तो ले ली। अरे मैं चाहती हूँ ऐसे और आ जाए तो हमें यहाँ से और ज्यादा लूट मिल जाएगी। अरे लूट तो ये पड़ी है, मसाओ ये सारी के सारी उठा लेते हैं। उठा लिए खजामा, ये देखो यहाँ पे एक बैरल भी पड़ा है। ओ वाओ, शिनचैन को पता है किसको बैरल बोलते हैं। बोचे मैं खजामा की तरह नहीं हूँ, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। अबे ओए क्लास में तो फर्स्ट मैं आता हूँ। खजामा मैं आता हूँ। अबे मैं आता हूँ। मैं आता हूँ।
अरे तुम दोनों आते हो लेकिन एक बंदा आगे से आता है और एक पीछे से। पर वो कौन आते है आगे से कौन आते है पीछे से सबको पता है। हाँ वो तो सबको पता है कि आगे से शिंचन आता है और पीछे से गद्दा मैं आता है। ओए ये क्या मतलब है तेरा, आगे से मैं आता हूँ और पीछे से तू आता है। ओए छोड़ो यार तुम लोग तो लड़ने लग गए, ये देखो यहाँ पे कितना सामान है सारा उठाओ ना। ओए बारिश शुरू हो गई दोस्तों, अब ये बारिश में हम लोग क्या करें। बारिश में भीग जाएंगे और क्या, हमने तो अभी तक राफ्ट पे घर भी नहीं बनाया। दोस्तों मुझे लगता है ना कि हमें अभी नेक्स्ट एपिसोड में अपने राफ्ट का घर ही बनाना चाहिए। मसाओ देख तेरी बात में दम तो है लेकिन यहाँ पे शार्क ने फिर से अटैक कर दिया है। मैं शार्क को मारता हूँ, ये लो शार्क। ओए कसम मैंने शार्क को भगा दिया। बहुत अच्छे भाई, ये शार्क अभी हमारी राफ्ट को फिर से तोड़ देती। ये शार्क बहुत परेशान करती है, चलो अभी जल्दी से पानी रख दो वहाँ पे, पीते जा रहे हैं हम तो। मुझे आलू खाना है, मसाओ थोड़ी देर पहले तो खाया था, एक और खाना है मुझे भोजन। अच्छा ठीक है खा लियो। अरे हमारी स्टोरेज फुल हो रही है, हमें एक चेस्ट बनानी पड़ेगी। रुको मैं बना देता हूँ, लेकिन मुझे तो आलू खाना है। शिंचन मुझे खाना है आलू। अरे तुम दोनों को खाने की पड़ी है, हमें थोड़ा काम करने दो। ओए बोचन चल मैं यहाँ पे स्मॉल स्टोरेज लग कर देता हूँ जल्दी से, रुक एक सेकंड। कहाँ गई ये रही। ओके बोचन मैंने स्मॉल स्टोरेज को बना दिया, कहाँ पे रखे। कजामा थोड़ा इस साइड को रख दो। लेकिन बोचन क्या हुआ, मुझे तो आलू खाना है। ओ तुझे मार मार के भालू बना दूंगा मैं, आलू के बच्चे। अरे बोचन गुस्सा क्यों करते हो, शिंचन को छोड़ो तो मेरी बात सुनो। हाँ बोलो मसाओ। बोचन वो ना मुझे आलू खाना है। तेरी भैंस की टांग, अब मैं तुझे इतना मारूंगा ना कि तू आलू की शक्ल भूल जाएगा। अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, खा लियो आलू। रुको ये मैंने स्मॉल स्टोरेज तो फुल कर दी है, हमें थोड़ी स्टोरेज और बनानी पड़ेगी। उसके लिए सामान नहीं है कजामा, बाद में बना लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन सामने मुझे एक और दिख रहा है। क्या, जहाँ पे चेस्ट होगी। ओ हाँ सामने को राफ्ट है, चलो चलो वहाँ पे चलते हैं। ओ हाँ सही कहा, चलो जल्दी करो बस पहुँचने वाला हूँ। बोचन के मैं आलू खा लूँ। ए मसाओ थोड़ा रुक जा तू। हाँ मसाओ तुम रुक जाओ, बोचन के मैं खा लूँ। तुम भी रुको, अभी वो स्मार्ट स्टोरेज उठा के लाओ शिंचन। अच्छा ठीक है उठा के लाता हूँ, ये रही ये मैंने उठा लिया। चलो चलो अपनी राफ्ट पे वापिस चलो। ओके चलो, वो तो राफ्ट गई, वो तो डूब रही है समुंदर में। अरे देखो हमने उसकी स्टोरेज ले ली तो वो अभी रोते रोते समुंदर में डूब जाएगी। ये तो डूब गई, और अभी हम खाएंगे आलू। अरे वाह फाइनली हम लोग आलू खाएंगे। उससे पहले मुझे थोड़ी सी राफ्ट बना देने दो, साइड में बना देता हूँ, कहीं शार्क कहीं से भी आ सकती है। चलो मसाओ अब तुम लोग आलू खा सकते हो। ठीक है भोजन, लेकिन ये थोड़ा सामान है, हम लोग इनको इकट्ठा कर ले उसके बाद खाएंगे। तब से तो बोल रहे हो आलू खाना है और अब सामान इकट्ठा कर रहे हो। ए शार्क ने अटैक कर दिया, शिंचन मारो। ये लो ये लो, एक्शन 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 एक्शन। क्या एक्शन, इसको बोलते क्या है कजामा, स्पीयर। एक्शन स्पीयर, इतना लेट कर दिया तूने बोलने में। कजामा मेरे को इसका नाम नहीं पता था। चलो दोस्तों दोबारा से सुबह हो रही है, रात होती है सुबह होती है कुछ पता ही नहीं लगता। चलो मसाओ क्या हुआ, आलू नहीं खाना क्या। बोचन अब मेरा पेट भर चुका है। क्यों मसाओ। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना डांट दिया, अब मैं आलू नहीं खाऊंगा। मसाओ तुम्हें आलू खाना चाहिए। क्यों शिंचन, क्योंकि तुम्हारा टकला भी आलू जैसा है। ए शिंचन मेरा टकला आलू जैसा नहीं है। अरे यार यहाँ पे राफ्ट अटक ही नहीं रही, देखो पानी का बहाव हमारी राफ्ट को उस तरफ खींच रहा है। तो हमें जल्दी से थोड़ा बहुत सामान आइलैंड से लेके राफ्ट पे वापिस आना पड़ेगा, थोड़ा ही समय है हमारे पास। ओए मैं तो गिर ही गया था। चलो जल्दी करो, तोड़ो तोड़ो दरख्त को तोड़ो, फिर हमें जल्दी से राफ्ट पे वापिस जाना है। हाँ हाँ बस टूट गया, ये लो चलो चलो। हमारी राफ्ट चली गई, वो रही, जल्दी करो राफ्ट के ऊपर चलो दोस्तों। ओ ये पहुंच गए, लेट्स गो। ओके फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। चलो ये आइलैंड पे हम लोग पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हमें राफ्ट को रोकने के लिए एंकर वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। वो सब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे कजामा, अभी तो मुश्किल है। हाँ और नेक्स्ट एपिसोड में हम घर भी बनाएंगे। तो चलो दोस्तों आई होप आपको आज के इस एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। हाँ और अगर आपको मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या क्या बनाना चाहिए कमेंट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।